वेलकम टू माय चैनल। गाइस स्वागत है आप लोग का मेरी शार्मी। सो गाइस देखिए, बजट का ना बड़ा जोरों शोरों से आप कह सकते हो बोलबाला चल रहा है, क्योंकि 23 तारीख या 22 तारीख तक जो बजट आने वाला है, आप कह सकते हो 23 जुलाई तक जो वित्तीय घोषणाओं होंगी जो बजट की। एंड देखिए चीज़ें क्या सामने आ रही हैं, सामने ये आ रही है कि किन के स्टॉक पे हमें बुलिश पैन देखने को मिला है। लेकिन साथ के साथ आप लोगों को भी पता है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी आउट हो गए, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कहीं ना कहीं स्टॉक्स पे एंड मार्केट पे देखने को मिल सकता है, अपने इंडेक्सेस पे देखने को मिल सकता है। कैसे कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज तो बने रहते ही हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे जैसे कि अब क्वार्टर वन के रिजल्ट आए तो उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अभी जो मोस्टली आपको कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी हाँ, ये कह सकते हो कि जब तक बजट पेश नहीं होता तब तक तो आपको काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं, कौन से काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको बुलिशपन ही देखने को मिलेगा, मतलब उन स्टॉक्स में रफ्तार बनी रहेगी, रुकावट नहीं आएगी। फिलहाल तो गाइज ये कुछ इम्पोर्टेंट एक आप कह सकते हो कि व्यू था, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को नॉलेज में डालना था कि अगर आपके पास बेस्ट इंफ्रा डिफेंस रेलवे किसी के भी स्टॉक्स हैं, इन बेस्ट जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं, तो उनको अपने पास पोर्टफोलियो बनाए रखिएगा, उनको सेल मत करिएगा। क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि अभी तो आप पैसा कमाएंगे, जब बजट पेश हो जाएगा देन उसके बाद भी आपको काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है उन स्टॉक के अंदर। एंड फर्स्टली आज मैं आप लोगों से एक आप कह सकते हो रियल स्टेट से आप कह सकते हो हाउसिंग से रिलेटेड कंपनी है उससे पर बात करेंगे, ठीक है। फिर एक और कंपनी है जिसका 12 जुलाई को रिजल्ट्स पेश होना है, उस पर क्या चर्चा चल रही, क्या बैठक होगी उस पर। एक स्टॉक है जो कि पैनी है, हो सकता है वो स्पैनी स्टॉक्स में ना काफ़ी लोग ना अपनी किस्मत आजमाने के लिए ट्रेड करते हैं, तो उस स्पैनी स्टॉक पर आज की वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी जिसके बारे में बताना चाहूँगी, उस कंपनी का नाम है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। गाइस अब PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं बता दूँ ये भारतीय हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, 1956 में शामिल किया गया था, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो ये पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, आप देख सकते हो ये लोन्स हो गए, होम लोन्स हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी इसके अंदर। अब एक्चुअल में क्या है गाइज, इस पे वीडियो बनाने का एक पर्पस ये है कि इससे रिलेटेड न्यूज़ सामने क्या आ रही है। न्यूज़ आ रही है सामने कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो आधिकारिक रूप से 23 जुलाई 2024 को फाइनेंशियल 24-25 के पूर्ण बजट को घोषित किया जाएगा, ठीक है, उसको मंजूरी मिल गई है, अधिकारी मंजूरी दे दी गई है। एंड ये जो बजट होगा 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 22 अगस्त तक चलने वाला है, ठीक है। तो जो सत्र है, मतलब एक दौर होता है ना, वैसे बजट का दौर होगा एक महीने तक का, 22 जुलाई से 22 अगस्त तक का। पेश किए जाने वाले इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं जो देश में अलग अलग सेक्टरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, ठीक है। एंड कुछ ऐसे में काफ़ी एनालिसिस, काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग पर बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, जिससे कि देश में फाइनेंशियल तो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी बनी है एंड कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करती देखी जा सकती हैं। तो ऐसे ही गाइस हमें PNB हाउसिंग फाइनेंस के बारे में काफ़ी जोर शोर सुनने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए, देश की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है जो मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने काफ़ी अच्छी इसको एक रेटिंग दी है एंड उन्होंने ये भी बताया है कि बजट का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस कंपनी पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस हाउसिंग पर भी देखने को मिल सकता है, जिस कारण इस स्टॉक का बजट के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ देखा जा सकता है, ठीक है। गाइस इस कंपनी के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी, अगर आप देखोगे ना, अगर पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे गिरावट है 1.27% की, लेकिन एक महीने में थोड़ी सी तेजी आई थी। यहाँ पर आप देखोगे 10 जून से लेकर यहाँ पर 13% तक चढ़ा था, देन उसके बाद आप ये जो डिप्स बोलते हैं ना गाइस, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। एंड वैसे बीच बीच में तेजी आती है, ऐसा नहीं है 3-3% चढ़ता फिर 3%, फिर यहाँ पर गिरावट आती है। गाइस ये जो गिरावट का पॉइंट है ना, ये आपको करेक्शन जो होता है ये आपको एंट्री का अपॉर्चुनिटी देता है। अगर पिछले 6 मंथ में देखो तो ज़्यादा कुछ उसमें तेजी देखने को नहीं मिली, काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक गिरा। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ मार्च से, तो देखिए यहाँ पर 30% चढ़ गया, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ फरवरी का 28% चढ़ा, तो मतलब स्टॉक में तेजी है लेकिन गिरावट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। एक साल में 31% तक चढ़ता देखने, मतलब कितनी बार आपने ये हाई पे पहुँचा 876,
फिर यहाँ पर भी स्नेक हाई बना था 913 तक का। ठीक है, ये हमेशा अपनी 52 वीक हाई इसने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अगर देखोगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2016 में आया है और अब तक ये दे चुका है स्टार्टिंग में 60-70% तक का रिटर्न। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गिरा है 89%। देन यहाँ से ये स्टॉक, अगर मैं कहूँ यहाँ से ये 2020 से इसमें थोड़ी तेजी आई, तो 500% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी गाइस। पता है क्या है, स्टॉक ने ना अपना 913 तक का एक 52 वीक हाई टच किया, लेकिन एक टारगेट प्राइस कम से कम आप उसको मान के चलो कि 1000 तक ही जा सकता है अगर बजट का इम्पैक्ट इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पड़ा। ठीक है, देश की गाइस मैं आपको ये कहूँगी कि चीज़ें किस अकॉर्डिंगली हो रही हैं एंड ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक देखा जाता है कि बहुत सी चीज़ें इम्पैक्ट इस पर अच्छा डाल सकती हैं, बहुत सी चीज़ें इस पर इम्पैक्ट खराब भी डाल सकती हैं। एंड मतलब अगर हाउसिंग से रिलेटेड कुछ हमें नहीं सुनने को मिला तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, और आप ये कह सकते हो कि एकदम से इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर चलना है। कंपनी को कुछ क्वार्टर से लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखा जा रहा है, यानी ये प्रदर्शन जो मतलब कि अब आप देखो उसमें ना तेजी तो आती है, ऐसा नहीं है कि इसमें तेजी नहीं आती, लेकिन यहाँ पर गिरावट भी काफी ज्यादा हो जाती है। प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो कि बहुत तगड़ी आ जाती है इधर। अगर आप यहाँ देखोगे तो गैप अप ओपनिंग थी इधर, ये कम से कम आप देखो एक ही बार में 11% तक चढ़ा, देन उसके बाद फिर यहाँ पर गिरावट आ गई 26% तक की। प्रॉफिट बुकिंग है ना गाइस, फिर यहाँ से अगर मैं यहाँ नोट करूँ तो आप देखोगे 6 महीने में ये 41% तक चढ़ चुका है, 41%। आप देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, 0.11। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है बीच बीच के अंदर। देखिए फाइनेंशियल 2022-2024 की फोर्थ क्वार्टर में भी देखने को मिला कि जिसमें कंपनी ने बताया कि उसकी इनकम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की आय बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के समान क्वार्टर में 1,637 करोड़ रुपए पे थी। गाइस कंपनी की इनकम में 330% तक का तेजी देखा गया है। गाइस यही तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो है उसको रिकॉर्ड तो वृद्धि देखने को मिली है। मार्च क्वार्टर की रिपोर्ट जारी करते हुए कंपनी ने बताया कि उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 1,508 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में 279 करोड़ रुपये पे था। जो ये दर्शाता है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में 439% तक का सालाना वृद्धि हो सकता है। कैश कंपनी के द्वारा किए जा रहे बेहतर प्रदर्शन के अनुसार कंपनी के रिटर्न कुछ कम प्रतीत होते हैं, क्योंकि कंपनी ने पिछले 5 सालों में 22% तक का एंड 3 साल में 13% तक का और 1 साल में 35% तक का और 3 महीने में 2% तक का रिटर्न देखने को मिला और 1 महीने में 11% तक का रिटर्न देखने को मिला, मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेट कर रहे तो गैस ये सब चीज़ के साथ देखने को मिलती है। तो मैं आपको ये कहूँगी थोड़ा सा आप उसको डर लेवल पर लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट गैस इरेडा, देखो जून क्वार्टर के नंबर्स आपको पता है, ये क्वार्टर वन के नंबर्स आने ही वाले हैं, तो आप भी देखो ना जून को इसी में ही कम से कम देखो 228 पे था गैप अप ओपनिंग हुई, 232 पे इसकी ओपनिंग देखने को मिली आप ये देख सकते हो, और हाई इसने अभी अभी 52 वीक हाई बनाया है 248 रुपये का। गैस ये स्टॉक जितना अच्छा रिटर्न दे रहा है ना आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आप ये देखो ना महीने भर में आपको 35% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। गैस अगर वही अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो गाइस देखिए भारतीय स्टॉक मार्केट में आपको पता है जो इन्वेस्टर्स मौजूद है कंपनी के द्वारा जारी किए जाने वाले उनके क्वार्टर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाता है कि उनके निवेश को घटाते हुए और बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। एंड कंपनी के द्वारा जारी की गई जाने वाली क्वार्टर रिपोर्ट कंपनी के स्टॉक पर अच्छा बुरा दोनों ही प्रभाव डाल सकती है। गाइस मैं आपको बता दूं कि कंपनी के द्वारा जो जारी किए जाने वाले क्वार्टरली रिपोर्ट्स है ना, जो नंबर्स है उसके में कंपनी के इन्वेस्टरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो अभी फाइनेंशियल 2025 की पहले क्वार्टर की रिपोर्ट में कंपनी ने जारी नहीं की है एंड किंतु कुछ न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चलता है कि ऐसी जानकारी है कि इरेडा जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट जारी कर सकती है 12 जुलाई को। गाइस देखिए इसमें एक बैठक देखने को मिलेगी। देखिए अक्षय ऊर्जा मतलब कंपनी इरेडा ने 3 जुलाई को भारतीय स्टॉक मार्केट को बताया था कि 12 जुलाई को कंपनी का डायरेक्टर के साथ बोर्ड बैठक है, ठीक है, जिसमें कंपनी कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है, फाइनेंशियल 2025 के पहले क्वार्टर की घोषणा भी कर सकती है। इरेडा ने मार्च क्वार्टर की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले ही जारी की थी। इसमें कंपनी ने जानकारी दी थी कि उसकी इस क्वार्टर में नेटवर्थ बढ़कर 8,559.43 करोड़ रुपये हो गए, जो कि पिछले साल के ही समान क्वार्टर में 5,935.17 करोड़ रुपये थी।
2018 ये भी देखा जाता है कंपनी की नेटवर्थ में 44.22% की तेजी आई है। इसी प्रकार कंपनी का नेट मुनाफा इस क्वार्टर में बढ़कर 337.38 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले ही समान क्वार्टर में गाइस 253 के करोड़ के समान था। मतलब आप कह सकते हो 33% तक की तेजी देखने को मिली। गाइस मैं आपको बता दूं कि कंपनी लोन और जो उसकी स्वीकृति है उसकी क्वार्टर में बढ़ोतरी हुई है। एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने 23,000 करोड़ रुपए तक के लोन को स्वीकृति दी है, जो कि पिछले साल के समान में देखा जाता 11,000 करोड़ रुपए थे, 11,700 करोड़ समथिंग पे थी। एंड कंपनी ने अपनी लोन स्वीकृति को बढ़ाकर 98% तक का मंसूस में वृद्धि देखने को मिली है। एंड इसी क्वार्टर में कंपनी का जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 12,000 करोड़ रुपये हो गया, जो कि पिछले ही समान क्वार्टर में 11,000 करोड़ रुपये देखने को मिलता था। तो गाइस एक तरीके से ये पॉजिटिव ही देखने को मिला है। और आपने ये भी देखा है कि गजब के रिटर्न दिया है, आए हुए टाइम नहीं हुआ कंपनी को 2023 में दिसंबर में, और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है अब तक का। सो गाइस मैं आपको ये कहूँगी अभी आप थोड़ा सा और इसमें उम्मीद बनाकर थोड़ा चल सकते हैं। वही गाइस नेक्स्ट कंपनी हमारी ब्रिज सिक्योरिटीज, जो कि मैंने आपको बताया पैनी स्टॉक है। मैक्सिमम देखा जाता है कि ये स्टॉक 2002 में था और काफ़ी हाई अपना, मतलब वैसे तो सही है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ग्रीन पैनल ग्रीन साइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट हाँ गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिली है। आप देखो ये यहाँ पर अगर नोट करोगे तो ये स्विंग बना रहा है, जैसे ही अपने इस वाले हाई को ब्रेक कर देगा, जो इसका हाई है ना ये जो ये यहाँ पर हाई इसने बनाया हुआ है, ये हाई एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी कह लो 50 के अबाउट अराउंड जो इसने हाई बनाया 50, 60, 67, 60 के अराउंड, ठीक है। अब जैसे ये इसको ब्रेक कर देगा ना काफ़ी अच्छा रिटर्न देखते हो, 5 साल में 5.5% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। और एक साल में देखो, साल भर में आप देखोगे 137, 6 महीने में देखोगे 113। आप लोग ना ऐसे स्टॉक ढूंढते हो लिटरली, सब हर कोई ऐसा स्टॉक ढूंढता है, ऐसा नहीं है। देखो 5 दिन में सक्के पे सक्के लगता रहा है। कैसे 12 करोड़ का बस मार्केट कैप है इसका। अब इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि भारतीय स्टॉक मार्केट में ना एक से बढ़कर एक स्टॉक का पैनी स्टॉक। एंड जैसे ही वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर की संख्या भी बहुत बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई इन्वेस्टर्स को समय के अभाव और निवेश करने की सही जानकारी ना होने के कारण निवेश के लिए काफ़ी सारी ब्रोकरेज फर्म का उनको सहायता लेनी पड़ती है, जिससे कि आप कह सकते हो अनेक ब्रोकरेज फर्म भी हैं। एंड जिसमें से एक हमारी ब्रिज सिक्योरिटीज है, जो कि ब्रोकरेज फर्म ही है। गैस का ब्रोकरेज फर्म ब्रिटिश सिक्योरिटी एक ऐसी ब्रोकरेज कंपनी जो बेहतर प्रदर्शन करती हुई देखी जा रही है। यह कंपनी संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से फाइनेंशियल और निवेश सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ब्रोकरेज के साथ साथ प्रतिभूति व्यापार एंड निवेश प्रबंधन और फाइनेंशियल सहायता हेल्प, मतलब इसके कंसल्टेशन की सलाह भी, मतलब कह सकते हो कंसल्टेशन भी करती है। गैस मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि 4 जुलाई को ना कंपनी का स्टॉक 34 रुपये पे था, ठीक है। फिलहाल तो अभी आप देखो 36 रुपये पे हमें देखने को मिला है क्लोजिंग इसमें, और काफ़ी अच्छी तेजी आई थी 36.51 रुपये पे, मतलब इसमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला। वीकली एक्सपायरी के दिन ओपनिंग हुई 36.51 रुपये पे, एंड ओपनिंग प्राइस के साथ ही स्टॉक की क्लोजिंग भी सेम हुई थी, जो कंपनी की स्टॉक में 4.97% तक की तेजी दिखाता है। गाइस सिर्फ 5 दिनों में आप देखो उसने 21% तक का रिटर्न बना दिया है। गाइस ये भी देखा जाता है कि मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो एनलिस्टेड होते हैं उन्होंने बताया कि प्राइस का टारगेट कम से कम 45 से 100 तक का लेकर चलें, ठीक है, 2 से 8 महीने तक के बीच का। लेकिन गाइस मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो ब्रिज सिक्योरिटीज ने कुछ दिनों पहले ही क्वार्टर की रिपोर्ट जारी की थी, इसमें कंपनी के द्वारा जानकारी दी गई थी कि उसकी मार्च क्वार्टर में आय बढ़कर 0.32 करोड़ हो गई, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.23 करोड़ पे थी, एंड इनकम में 39.13% तक की तेजी देखने को मिली। इसी प्रकार क्वार्टर के अगर मुनाफे की बात की जाए तो वो भी 0.19 से 0.27 हो गया, 38% तक की तेजी देखने को मिली है, एंड गजब के रिटर्न तो आप लोगों ने देख ही लिया। लेकिन मैं अब तक आपको क्या इस पर नजर डालना चाहती हूँ कि इसमें ROC काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है, अंडर वैल्यूड भी है ये स्टॉक, कर्जा भी नहीं है कंपनी पे, बट इन्वेस्टर के होल्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए प्रमोटर्स बहुत कम है, पब्लिक के पास ज़्यादा इसके शेयर्स हैं, तो थोड़ा सा एक ही पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। बैलेंस शीट भी देखोगे तो इसके पास रिजर्व नहीं है, माइनस में है, बट कर्जा भी नहीं है कंपनी पे। प्रॉफिट आप कह सकते हो कि अब ये पहले काफ़ी ज़्यादा 2013 में
2021 में काफी अच्छा हुआ, 2022 में काफी अच्छा हुआ, लेकिन अभी मार्च क्वार्टर के से जब नंबर जारी करे उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एंड प्रॉफिट भी पिछले साल के अकॉर्डिंगली, इसने पहले लॉस था अब इसका प्रॉफिट हो गया। तो गाइज ये तीन कंपनीज हैं जिसको मैं आपको कह सकती हूँ रडार लेवल पर लेकर चलिएगा। एंड एज ऑलवेज आई सेड, खुद से स्टडी करके चेक करके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस देकर देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।